अफगान मसले पर दुनिया की खामोशी काबिल अफसोस है, बर वक्त इकदाम ना किए तो इंसानी बहरान बढ़ सकता है, अफरा तफरी फैल सकती है। अफरा तफरी से अफगानिस्तान में दहशत गर्दी जन्म लेगी, वज़ीर आज़म ने दुनिया को खबरदार कर दिया, कहा दुनिया के किसी दूसरे मुल्क ने अफगानिस्तान से ज्यादा मसाइल नहीं झेले। वज़ीर आज़म को आई सी के बुजुर्ग ख्वाजा काउंसिल के 3 रोजा गैर मामूली इजलास से खिताब, कहा काबिल अफसोस है स्कॉलर्स इस्लामोफोबिया पर जवाब देने में नाकाम है, मजहब की बुनियाद पर मुआशरे में तकसीम फैलाई जा रही है। इजलास के जरिए अफगानिस्तान को एक होने का पैगाम देना चाहते हैं, सिर्फ अफगान आवाम की मदद के लिए भारत को रसाई दी, अफगानिस्तान में तालीम सलामती दीगर शुबों में सरमायाकारी पर जोर दिया जाए, वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का OIC इजलास से खिताब। पाकिस्तानी काविशें काम दिखाने लगी, दुनिया अफगानिस्तान की माली इमदाद करने लगी, सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान अल सऊद का 1 अरब रियाल इमदाद देने का ऐलान, OIC का गैर मामूली इजलास बुलाने पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर, अक्वामे मुत्तहिदा के नुमाइंदे का भी कहना था कि अफगानिस्तान में 70% असातिज़ा तनख्वाहों से महरूम है, करेंसी गिरती जा रही है, अफगानिस्तान में बैंकिंग का निज़ाम बहाल करना बहुत जरूरी है। इस्लामी तरक्याती बैंक ने अफगान आवाम के लिए इंसानी हमदर्दी ट्रस्ट फंड कायम करने का ऐलान कर दिया, OIC इजलास से इस्लामी तरक्याती बैंक के चेयरमैन का खिताब, डॉक्टर मोहम्मद सुलेमान जासिर ने कहा कई ममालिक और आलमी इदारे अफगान आवाम की मदद के लिए तैयार। अफगान अवाम की इमदाद के लिए मुस्लिम दुनिया यकजबा, तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने OIC इजलास से खिताब में कहा अफगानिस्तान में बढ़ते मालियाती बहरान का सदेबाप करना होगा, मुस्लिम दुनिया को दौरा अफगानिस्तान की भी तजवीज़, नाइजीरियन वज़ीर ख़ारजा बोले अफगानिस्तान की मदद के लिए हमें प्लान बनाना होगा, उर्दन का दुनिया के साथ मिलकर कमेटी बनाने की ख्वाहिश का इजहार। खैरपुर में फैज मोहम्मद बंडू के करीब फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, पुलिस के मुताबिक वाकया पुरानी दुश्मनी के सबब पेश आया, मकतूल इनकी शनाख्त नूरन सईद और नदीम और नूह के नाम से हुई। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान अफसोसनाक वाकया, करक में फकीर खेल में पोलिंग स्टेशन में फायरिंग, 2 अफराद जाम हक हो गए, 3 जख्मी, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी, वोटर्स का जो शखरोश दीदनी, लोगों का बड़ी तादाद में पोलिंग स्टेशन का रुख, वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चेयरमैन, तहसील चेयरमैन, विलेज काउंसिल, नेबरहुड काउंसिल के लिए चुनाव, तारीख में पहली बार कबायली अज़ला में भी बल्दियाती नशस्तों के लिए चुनाव, नतायज का ऐलान 24 दिसंबर को होगा। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम, सुबह भर में 76 अफराद, 1000 पुलिस अहलकार इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर, FC और बाबेल फोर्स के 2000 अहलकार भी तैनात, खवातीन अहलकार भी सिक्योरिटी फराइज सर अंजाम दे रही हैं, 17 अजला में 9223 पोलिंग स्टेशन, 28992 पोलिंग बूथ कायम, 4188 पोलिंग स्टेशन हसास, 2507 इंतहाई हसास करार। बंदू के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कोटी सादात में खवातीन के वोट डालने पर इलाका मकीनों ने पाबंदी लगा दी, सुबह से एक भी वोट पास करने के लिए कोई खातून नहीं है। थप्पे लगाने का इल्जाम, पेशावर नेबरहुड काउंसिल में मुबैना धांधी पर खातून प्रिसाइडिंग अफसर शोहर समेत जेर हिरासत, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी, 7 रोज में इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट पेश करेगी। मर्दान में विलेज काउंसिल बहराम खान के बैलेट पेपर में संगीन गलती का इंकशाफ, किसान नशिस्त के उम्मीदवार का इंतखाबी निशान दूसरे उम्मीदवार को अलॉट कर दिया गया, गोजर गढ़ी 2 के पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोक दी गई।
और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी जोशो खरोश जारी, ख्वातीन और बुजुर्ग भी पीछे ना रहे। बड़ी तादाद में हक़ राय दही इस्तेमाल करने पोलिंग स्टेशन पहुंचे। हरिपुर में ख्वाजा सरा ने भी वोट कास्ट किया।